तो इस बार कुछ इनक्रेडिबल होने का रिकॉर्ड जब 2024 पार कर ही रहा है, तो सेकेंड टाइम वेलकम टू माय चैनल। इस बार फिर से एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला न्यूज आया है हमारे सामने कि नीट 2025 होने वाला है ऑनलाइन। ठीक है, होने वाला है, अभी तक कंफर्म न्यूज नहीं आया है, पर इस न्यूज को हम लोग पक्का पुक्ति मान सकते हैं, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के काम करने वाले लोगों ने हमें ये कंफर्मली बोला है कि देयर इज अ चांस दैट जेईई जैसे फेज वन एंड फेज टू में नीट को भी डिवाइड कर सकते हैं। नाउ आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर लिसनिंग दिस, क्योंकि अगर अगर सच में ये एग्जाम सीबीटी बोर्ड में जाता है, देन देयर विल बी अ वेरी मच एक्यूरेसी ऑफ दिस एग्जाम। व्हाई यू आस्क मी? बिकॉज कंप्यूटर में जब भी तुम कोई भी एग्जाम देते हो, वो तुम्हारी एक्यूरेसी जानते हैं, तुम्हारी टाइम लैग जानते हैं, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रक्चर जानते हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व करे कि तुम कितने मिनट पे एक एक क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो, सो दे नो हाउ काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे चीटिंग नामक चीज जो हो रही थी, जो 2024 में इतने सारे कंप्लेंट्स लेके आई थी, ओएमआर फट गया है, मेरे ओएमआर का मार्क्स नहीं मैच कर रहा मेरे स्कोर कार्ड से, एंड वगैरह वगैरह जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है, क्योंकि ये पूरा सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाला है। अब झमेला ये है कि फेज वन एंड फेज टू आ चुका है, तो क्वेश्चन आता है कि ये कैसा होगा। देखो, कहाँ से हमें पता चला ये चीज कि जेई जो होगा हमारा वो हमारा सॉरी नीट जो होगा हमारा वो होगा ऑनलाइन बेस्ड, है ना? तो एक आर्टिकल लॉन्च हुई टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पे बोला गया, देखो यहाँ पे बोला गया है कि जेईई स्टाइल ऑनलाइन टेस्ट होगा, फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम्स लेस स्ट्रेसफुल एंड फ्लेक्सिबल एग्जाम एनवायरमेंट फॉर द स्टूडेंट, ताकि एग्जाम का जो स्ट्रेस हो ना वो स्टूडेंट्स को ज्यादा ना हो। देखो, दिस इज वेरी अनफेयर टू बी सेड, बट आज मुझे ये चीज बोलनी पड़ेगी कि नीट स्टूडेंट्स को, सी नो ऑफेंस, आई लव जेईई स्टूडेंट्स, ओके, बट स्टिल आई विल से दैट नीट स्टूडेंट्स कहीं ना अपने केस में बहुत इनजस्टिस फील करते थे कि भाई उन लोगों को चांस ज्यादा मिल रहा है, वो लोग दो बार एग्जाम दे सकते हैं और हम सिर्फ एक बार एग्जाम दे सकते हैं। ये बहुत स्टूडेंट्स को बहुत खटकती थी दिल में। अब अगर ये सिस्टम इंप्लीमेंट होता है तो नीट स्टूडेंट्स विल बी सैटिस्फाइड कि कोई बात नहीं, इस बार अगर एग्जाम थोड़ा सा खराब गया, नेक्स्ट टाइम जान लगा देंगे, दे देंगे जितना दे सकते हैं और वो वाला एग्जाम भी सही कर लेंगे। देखो, अगर मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा अगर हुआ, तो दिस इज अ वेरी 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 नाइस आइडिया, बिकॉज हर साल ड्रॉप देने से अच्छा है तुम फेज वाइज ड्रॉप दो, दैट इज अ गुड ऑप्शन। एक साल बर्बाद होना इज नेवर अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मैं ये चीज क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो जेई एग्जाम्स को अगर हम लोग अच्छे से देखें, जेई एग्जाम का जो फेज वन एंड फेज टू होता है, फेज वन जनवरी में होता है, फेज टू शायद मई या अप्रैल में तो हो ही जाता है। ठीक है, तो उनके बीच में अगर मैं गैप को नोटिस करूँ तो वो 5 to 6 months का गैप रहता है। अगर तुम नीट में भी ऐसा ही गैप एक्सपेक्ट करते हो 5 to 6 months का, तो अगर 6 months पहले तुम्हारा कोई एग्जाम है और उसमें तुम्हारे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, तुम्हारी एग्जाम लाइक उतनी अच्छी नहीं थी, स्मूथ नहीं थी, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो यू आर गेटिंग 6 months, 6 long months यू आर गेटिंग टू प्रिपेयर फॉर फेज टू, विच इज रियली वेरी नाइस, है ना? देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है ये चीज। तो इसीलिए ये अगर इम्प्लीमेंट होता है तो देयर विल बी अ ग्रेट ग्रेट बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स, बट देयर इज अ क्वेश्चन मैम, इतना अगर आसानी हो रहा है हमें एग्जाम देने में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है? ऑफ कोर्स यस, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी तो बढ़ेगी, क्योंकि देखो अगर फेज वन एंड फेज टू में एग्जाम हो रहा है तो वैसे क्वेश्चन पेपर्स नहीं आएंगे जैसे इतने सालों से आ रहे थे, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी बढ़ेगी, पर कहाँ पे बढ़ेगी? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में बढ़ेगी ऑब्वियसली। ठीक है, अब देखो मैं आर्टिकल की कुछ कुछ लाइंस तुमको मेंशन कर रही हूँ, जिसलिए मुझे लग रहा है कि वो लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग एग्जाम्स को लेस स्ट्रेसफुल बनाना चाहते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, फ्लेक्सिबल भी बनाना चाहते हैं, मोस्ट हाई प्रोफाइल प्रेस्टिजियस एग्जाम्स एनेबलिंग द मल्टीपल सेशंस एंड द टाइम सिमिलर टू द जेईई मेन एंड द अप्रोच हैज been proven successful for NTA. NTA ने तो पहले भी CBT board में exam ले लिया है, NTA ने तो phase 1, phase 2 में exams ले लिए हैं, NTA तो conduct करवा चुका है लाखों लाखों बच्चों का exam CBT board में। अगर JEE CBT board में हो सकता है तो why not NEET? NEET भी CBT board में हो सकता है ना? देखा जाए तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है कि NEET को अगर वो लोग CBT board में कर दे तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है ना? तो NTA देखो 2017 से NTA आई थी, subsequently 2018 the agency has engaged the multiple discussions on ETS. However, according to the senior official at the Ministry of Education, these talks did not concrete the collaboration as they primarily focused on the question paper settings and the efficiency of the exam. ठीक है, जैसे कि मैं एक चीज तुम्हें और दिखाती हूँ कि CUET
मेजोरिटी जो हुआ था वो 2022 में ऑनलाइन बेस्ड हुआ था। ये चीज बहुत लोगों को पता नहीं रहती है, पर हाँ एक बार हुआ था कि सीयूईटी को भी ऑनलाइन बेस्ड करवाया गया था एंड लाखों लाखों स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, और फिर भी एनटीए वाज सक्सेसफुल टू कंडक्ट दिस एग्जाम ऑनलाइन, और बहुत ही सैनिटी के साथ रिजल्ट भी निकल के आई थी। तो अगर इतनी सैनिटी के साथ एनटीए ने पहले भी सीबीटी एग्जाम्स करवा रखे हैं, तो व्हाई नॉट नीट? नीट भी हो सकता है सीबीटी बेस्ड। तो बेसिकली एक बहुत अच्छा अप्रोच आया है कि एनटीए शायद से अब नीट को ऑनलाइन करवाने वाला है। इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे एग्जाम पैटर्न में चेंज आएगा, एंड ऑब्वियसली हाउ डू यू एवर एक्सपेक्ट कि पेपर इजी आ जाएगा? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। तुम्हारा पेपर हार्ड आएगा, तुम्हारे कट ऑफ इंक्रीज होंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग। तुम्हें कंपटीशन के अंदर आना है, ये तुम्हें अपने आप को अडेप्ट करवाना पड़ेगा। अब तुम्हारे लिए अगर साल में 2 बारी कंडक्ट करवा के अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तुमको, तो तुमको क्या सब कुछ वो लोग सजा के दे देंगे? हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। सो वॉट यू हैव टू डू इज सिंपली यू हैव टू रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस योर क्वेश्चन, यू हैव टू प्रैक्टिस योर आंसर्स, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी स्मूथ। क्योंकि 2 बारी पेपर हो रहा है, एक बार अगर गलती करते हो तो दूसरी बार करेक्शन करने का मौका भी मिलता है। पर व्हाई वी विल गो फॉर द सेकेंड टाइम? हम लोग कोशिश करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाने की, है ना? तो सिंपल सी बात है कि तुम लोग जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, मैंने उन उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख रखा है कि पेपर हार्ड होने वाला है। ऑफ कोर्स हार्ड होने वाला है। कौन सा पोर्शन हार्ड होने वाला है? देखो, पहले तो फिजिक्स प्रायोरिटीज, फिजिक्स को वो लोग पहले हार्ड करेंगे, उसके बाद वो लोग केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा सा बढ़ा देंगे। क्या ही करेंगे वो लोग? मैं तुम्हें सिंपल एडवाइस देती हूँ कि अगर तुम्हें डाउट हो रहा है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है कि हाँ हार्ड कर देगा, हार्ड कर देगा, पेपर हार्ड कर देगा, तो मैं सिंपल ही बोल रही हूँ, तुम लोग जेई मेन्स का या तो किसी दोस्त से या तो किसी सीनियर से जेई मेंस के बेसिक मॉड्यूल्स, मैं बोल रही हूँ बेसिक मॉड्यूल्स, एडवांस में नहीं जाना है, मैं मार दूंगी अगर कोई एडवांस में गया तो। जेई के जो बेसिक मॉड्यूल्स होते हैं, वहां से 2, 3, 4 ऐसे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, क्योंकि उनका लेवल नीट के लेवल से थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है? तो अगर तुम उनके लेवल पे एडजस्ट हो जाओगे, तो अगर नीट में हार्ड क्वेश्चन भी आ जाएगा तो तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम टॉकिंग दिस स्पेशली अबाउट फिजिक्स। और अगर तुम केमिस्ट्री की बात करते हो, फाइन, यू कैन गो फॉर जेई मॉडल्स, पर सबसे अच्छा है कि तुम नीट का ही मॉड्यूल सॉल्व करो, नीट के ही सारे सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो, और उसके साथ साथ कभी कभी जेई के जो पीवाईक्यूज आए हैं उसको भी थोड़ा सा किसी एक सीनियर से कलेक्ट करके देखते रहो, क्या पता वहां से क्वेश्चन दे दें। मेरा मन बोल रहा है कि मेनली तुम्हारा जेई का जो फॉर्मेट रहता है, जेई का जो पैटर्न रहता है फिजिक्स केमिस्ट्री का, वो शायद से वो लोग कॉपी करके एनटीए वाले नीट में घुसा सकते हैं। इससे ज्यादा पेपर डिफिकल्टी नहीं कर पाएंगे। अब बायोलॉजी कभी डिफिकल्ट नहीं होती है, उसकी डिफिकल्टी लेवल को तुम ऐसे वैसे बढ़ा नहीं सकते। उसकी डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाने का मतलब है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन करना, एंड दे कैन नॉट डू दैट बिकॉज दे स्ट्रिक्टली फॉलो एनसीईआरटी। तो बायो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलोड होगा। हाँ, वैसे तो मुझे बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन दिखे जो कि एनसीईआरटी के बाहर री नीट में थे, और मैं उसके बारे में आराम से बात भी करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? पर मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, देर विल बी 99% क्वेश्चन विच विल बी ऑन एनसीईआरटी, एंड देर विल बी 1% क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होगा, जिसके लिए तुम्हारा सिलेक्शन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हें कट ऑफ लिख के दे दिया है, दैट इज 630 to 650। ये तुम्हारा बेसिक कट ऑफ जाने वाला है 2025 के लिए। मेरी बात लिख के ले लो, 650 माइट बी द कट ऑफ, क्योंकि फेज 1 फेज 2 में एग्जाम्स अगर हो गए तो ऑब्वियसली भाई तुम्हें 2 बार अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत कट ऑफ तो वो लोग बढ़ा ही देंगे, वी कैन एक्सपेक्ट दैट, ठीक है? तो जस्ट टू मेंटेन द सैनिटी ऑफ द एग्जाम, एग्जाम को कुछ इस प्रकार मतलब किया जाएगा। एंड आई होप मैंने तुम्हें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए कि नीट कैसे ऑनलाइन हो सकता है, कैसे होगा, एंड ऑलमोस्ट तुम पकड़ के चलो 5 to 6 months का एक फेज गैप रहेगा, ठीक है? सो यस, थैंक यू, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। एंड यस, अगर नीट ऑनलाइन हुआ बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन हुआ वो भी बहुत अच्छी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है नीट 2025 के प्रिपरेशन स्टार्ट करना। और अगर तुम बायो के लिए किसी इजी लेक्चर को ढूंढ रहे हो, तो तुम्हें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, इस चैनल के नीचे जाओ और तुम्हें दिख जाएंगे बायो के ऊपर एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट, वो भी कम समय में। कम समय में ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखना हो जाएगा इजी तुम्हारा इस चैनल के जरिए। तो प्लीज इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, और इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि तुम्हें ऑथेंटिक नोट्स टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर दिस टाइम यू हैव गिवन मी, एंड यस दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। अभी के लिए तुम यही अपडेट पकड़ के चलो,
प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नो मैटर रीनीट होता है या नहीं होता है, नहीं सोचते उस बारे में, सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।